गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पूर्णचंद्र हायर सेकेंडरी स्कूल बारीपदा मयूरभंज एंड आई एम योर एलएन सर लेक्चर इन केमिस्ट्री। तो पिला माने केमिति अछो? सब भल रहतिबो नै कि? तो बर्तमान आसी जाओ, हमर जो बेसिक कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थिला, जो लास्ट क्लास रे हम कोन डिस्कस करथिले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड द कंटेंट्स फार्मूला स्ट्रक्चर एवं सब डिस्कस कर छी नै कि? जोडे के हमर लास्ट क्लास रे अल्कोहल पर जंत हमें पढ़ी थिले, ठीक अछि? तो वर्तमान हमें ता पर जीवा जोडा रहू छी, नेक्स्ट पार्ट रहू छी, दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड नै कि? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड रो जनरल फार्मूला को माने मन रखि छो नै कि? तार जो फंक्शनल ग्रुप आसी जब नाम कहला मत जगे कोन होची ना एल्डिहाइड, हमें बुझी गेले तार जो फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला का बा तुमरो सेकेंडरी सफिक्स किबा तुमरो फंक्शनल ग्रुप रो फार्मूला का ऑटोमेटिकली मने आसी जीवो। यदि तुम माने मने आसुनी तो पूर्व वीडियो को जाई कि तुम माने देखो, ठीक अछि? तो यारो फंक्शनल ग्रुप रो जो फार्मूला रहछि मॉलिक्यूलर फार्मूला का फंक्शनल ग्रुप दैट इज CHO सी एच ओ दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो देखो पिले, ई जो सिंगल बॉन्ड आ में छाडी छै, सिंगल बॉन्ड रे आमे कोन लगेबा? दैट इज अल्काइल ग्रुप लगेबा ने कि? एनी अल्काइल ग्रुप। तो वर्तमान आमे देखिबा जे मॉलिक्यूलर फार्मूला आमे नेइबा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन हे पारे बा तुमर जनरल फार्मूला फर्स्ट जेबा आमे जनरल फार्मूला दैट इज जीएफ। जनरल फार्मूला इज आर सी एच ओ आर सी एच ओ। तो जनरल फार्मूला है कौन? आर सी एच ओ। तो ये जो आर का कौन? एनी अल्काइल ग्रुप। एनी अल्काइल ग्रुप पहले एनी अल्काइल ग्रुप एटा को केस रे एलिफेटिक ग्रुप रे नै कि? जेतले हम एरोमेटिक पढिबा, एरोमेटिक कौन तो माने जानिनो सेवडा मु पढेबे, ठीक अछि? तो जनरल फार्मूला हम ले गेले आर सी एच ओ, दैट इज आर इज कॉल्ड एनी अल्काइल ग्रुप। तो आर बदल रे एनी अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन भी आई पारे। एई केस रे हाइड्रोजन हो कोन पाई? देखो ना, हमें आर बदलने कोन जानतिले? आर इक्वल टू हमें CnH2n प्लस ऑफ 1, हमें जानते तार मॉलिक्यूलर फार्मूला का जनरल फार्मूला अल्काइल रो CnH2n प्लस ऑफ 1। तो एई केस रे देखो, जेतु फंक्शनल ग्रुप कोन कंटेन करी छी इन केस ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रे देखो कार्बन एटम अछि फंक्शनल ग्रुप नै कि? सब नु है एक्सेप्शनली एउटा सब कोन द एक्सेप्शन केस रे तुमरो एल्डिहाइड रे तुमरो अल्कोहल माने कोन अछि? कार्बन एटम मोड अछि। जदि फंक्शनल ग्रुप रे कार्बन एटम थाय ताले हमें एन इक्वल टू केते नै परिबा, जीरो भी नै परिबा, एटा मन रखि दो। सब केस नु है एक्सेप्शनली ओनली फॉर एल्डिहाइड नै कि? एल्डिहाइड केस किबा तुमरो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड केस ए गुडा हम नै करबा आर इक्वल टू कोन नै कोन सॉरी एन इक्वल टू हम जीरो नबा, तो आर इक्वल टू केते हि जीवो ना एच हि जीवो, एबा सब एक्सेप्शन। देन द जदि तुमरो वर्तमान आर इक्वल टू एच हि गला तो हम एक एच लिखि परिया नै कि? ताले मॉलिक्यूलर फार्मूला एच सी एच ओ यार स्ट्रक्चरल सी एच ओ को हम लिखि परिया जे आर सी डबल बॉन्ड ओ दैट इज एच, एटा होजी तुमरो एल्डिहाइड रो जनरल फार्मूला, ठीक अछि? तो एटी आमे कोन कोले एच सी एच ओ एटा सतर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आमे स्ट्रक्चर लिखि परिबा एच सी ओ एच, एटा सतर स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला रे एल्डिहाइड कोन होला? एच सी एच ओ, ये रहला एच सी एच ओ, एका कथा, ठीक अछि? नेक्स्ट आमे जीवा आई यू पी एस सी नेम। आई यू पी एस सी नेम ये होची मॉलिक्यूलर, ये होची तुमरो स्ट्रक्चर, ये होची कोन स्ट्रक्चर, ये होची तुमरो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो एच सी एच ओ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रो आइपैक नेम मु कोन कहितली ना अल्कानल, ए एल के ए एन ए एल, ए एल के होची कोन वाड रूट। वाड रूट माने कोन? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए चेन। ए चेन रे कथा कार्बन एटम छि गोटे अछि, ताला वाड रूट कोन हो? मिथ, बुझला? वाड रूट हेला मिथ। से बड़ा ए एन माने कोन? ए एन होची तुम्हारो प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स ताको हमें 1 डिग्री सफिक्स लेके प्राइमरी सफिक्स को, तो प्राइमरी सफिक्स होची ए एन। ए एन कोन पहला होची ना प्राइमरी सफिक्स जे तो तुम्हारा कार्बन कार्बन भीतर सिंगल बॉन्ड होची, तेनो हमरो ए एन लागू छी। तले एटी लगे दियो ए एन
তারপরে এএল এএলটা কোন না সেকেন্ডারি সাফিক্স সেকেন্ডারি সাফিক্স তো সেকেন্ডারি সাফিক্স এএল কোন না এলা না অ্যালডিহাইড সেকেন্ডারি সাফিক্স আমি জানি যে কোন এএল তাহলে এএল লগাই দিও কিছু রটিবার নাই কিছু ঘষিবার নাই খালি তোমার কোন না ঠিক কনসেপ্টটা কো মনে রাখিবো আও ঠিক জায়গা রে ঠিক জিনিসটা কো পুট করিবো আও কিছু মুখস্থ করিবার দরকার নাই নিজ আপে সব মনে রাখিবো দেখো এটি কেতে সুন্দর এটি মিথ এ এন এ এল মিথ মানে কোন গটে কার্বন অ্যাটম আছে গটে কার্বন অ্যাটম আছে চেইন রে তাহলে কোয়াড্রন এর হলো মিথ এ এন হলো কোন ভাই যেহেতু গটে কার্বন অ্যাটম আছে সেটি তো ডাবল বন্ড হওয়ার চান্স নাই কার্বন কার্বন ভিতরে তো বর্তমানে দেখো গটে গটে কোশ্চেন আসিও যে এইটি আমার ডাবল বন্ড আছে নেকি আমি প্রাইমারি সাফিক্সটা কোন কইছে কার্বন কার্বন ভিতরে ডাবল বন্ড এটা কা কা ভিতরে আছে কার্বন ও অক্সিজেন ভিতরে বহু স্টুডেন্ট ভুল কর দিও যে কার্বন অক্সিজেন ভিতরে ডাবল বন্ড আছে আমি ইএন লগাই দেবা নেকি ডাবল বন্ড আছে সেমানে দেখন্তি নি যে কা কা ভিতরে ডাবল বন্ডটা আছে তো এইটি আমি দেখিবা যে কার্বন ও অক্সিজেন ভিতরে ডাবল বন্ড আছে কার্বন কার্বন ভিতরে ডাবল বন্ড নাই ঠিক আছে এটা কোন রকিব তাহলে এএল এএল কা আছে অ্যালডিহাইড সেকেন্ডারি সাফিক্স নেক্সট আমি যাবা দেখো আর বদলে কোন লাগিব CH3 কম্পেয়ার না n ইকুয়াল টু 1 যদি রবা r ইকুয়াল টু কত হবে CH3 হবে এবারে সব মনে রাখিব যদি মনে নাই তাহলে প্রিভিয়াস ভিডিওতে একটু দেখো ঠিক আছে তো এটি আমি লিখিবা CH3CHO এটা হলো CH3CHO হলো তাহলে তার স্ট্রাকচার লিখি পারিব সেই ভাবে CH3CHO এটা হলো তোমার স্ট্রাকচার ঠিক আছে CH3 হলো তো বর্তমানে আমি দেখিবা এটি দেখো কতটা কার্বন অ্যাটম আছে এইটি গুটে দুইটা কার্বন অ্যাটম আছে ওয়াট রুট কোন হয়ে গেল ইথ ওয়াট রুট হয়ে গেল ইথ দেখো কার্বন কার্বন ভিতরে কত টাইপের বন্ড আছে সিঙ্গেল বন্ড আছে নাকি তাহলে এ এন আও এ এল কিন্তু আমি পড়িছিলে দেখো যদি কার্বন কার্বন ভিতরে সিঙ্গেল বন্ড আছে এ এন ই হবা কথা নাকি তারপরে আমি গোটে কইছিলি যে অমিশন অফ ই গোটে রুল আছে যদি সেকেন্ডারি সাফিক্স রো ফার্স্ট লেটারটা ভাওয়েল রু স্টার্ট হইতিবো দ্যাট ইজ এ ই আই ও ইউ সেই ভাওয়েল রু স্টার্ট হইতিবো তাহলে আমার প্রাইমারি সাফিক্স রো যে লাস্ট রে ই টা রহচি দ্যাট ইজ এ এন ই রহচি সেই ই টা কোন হবো অমিট হইও দেন তাহলে নাম কোন হইলা ইথানল দেখো এইগুডা কো মনে রাখিয়া মেতার কমন নেম গুডা টিকে মনে রাখিবো সে ওটার কিছু তার ট্রিক্স আছে কমন নেম বি মনে রাখিয়ারো কইবি বাট এইটি খালি তুমি মনে রাখতো যে মিথানল যো রহুছি তার কমন নামটা মনে রাখিতো ফর্মালডিহাইড 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 আও ইথানল যো রহুছি ইথানল সেটা হচ্ছে তোমার অ্যাসিটালডিহাইড 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 এবারে টিকে মনে রাখিবো তার কমন নামটা নেক্সট আমি যাব থার্ড আর ইকুয়াল টু আমি নেই পারিবা C2H5 নিজে করিবো তারপরে তুমি তিন চারটা নিজে করিব ঠিক আছে তো এডি হলো ফর্মালডিহাইড অ্যাসিটালডিহাইড বা মিথানল ইথানল তারপর কি আসিও প্রোপানল বিউটানল পেন্টানল হেক্সানল এবলে কম্পাউন্ড গুলা আসিও তাহলে এ ছিলা কোন না অ্যালডিহাইড মনে রাখলা ঠিক আছে নেক্সট যাবা কিটোন নেক্সট আমি যাবা কোন না কিটোন नेक्स्ट जीवा कीटोन तो देखो कीटोन रो जनरल फॉर्मूला हमें जाने चाहिए कौन ना आर सी ओ आर तेरे आप बेस कर दो कि मैंने दी जा अलग-अलग ग्रुप समान है यूज़ नॉले समान भी है पर है डिफरेंट भी है पर किसी सुना है तो एडिया में नहीं नॉले तारो इट आंसर जनरल फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला हमें नहीं पता कौन ना आर सी ओ आर डैश दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन एंड द फंक्शनल ग्रुप आर द सेकेंडरी सफिक्स दैट इज ओ एन ई सेकेंडरी सफिक्स कौन है जो कीटोन रो ओ एन ई तल देखो एटी आमे लिखिबा मॉलिक्युलर फार्मूला कोनी पारे हां आ गोटे जिंस मन रखि परबो ई जो आर सी ओ आर डैश ले ए आर आ आर डैश बिषय रे जे आर विल बी इक्वल टू आर डैश और r is not equal to r dash ये दिया फैक्टर भी आसी पर r equal भी पर r not equal भी है करे किंतु r is equal to or r dash is not equal to h देखो r किंबा r dash मोर एटी h ही करी बनी
मो कहि फंक्शनल ग्रुप रे कार्बन दिले आर बदले कोन दिबो एच नै पेलिबो सेटा एक्सेप्शनली मो कहितली केवल तुमरो एल्डिहाइड आउ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप केस रे किंतु एठी कोन होची एठी तुमरो नै पेलिबो नै आर बी एच नै पेलिबो नै आर डैश बी एच नै पेलिबो नै तो वर्तमान देखो इफ दीटा केस अराइज करची इफ आर इक्वल टू आर डैश ताले यदि आर इक्वल टू आर डैश हला बार तुमरो दीजे सारा अल्काइल ग्रुप कोन होची सेम हला तार ताको आमे कोन कहि परिबा सिंपल कीटोन कह जाय कोन कह जाय सिंपल कीटोन मानो कि यदि आर इक्वल टू आर डैश हला सिंपल कीटोन कह आउछ ताले आमे नै जाय कि आर इक्वल टू आर डैश ता माने आर बदल रे भी CH3 नै गेली CO CH3 ठीक अछि तो वर्तमान देखो यार कॉमन नेम टा अछि एसीटोन कोन एसीटोन कॉमन नेम हला एसीटोन को आ जाए ता पर तारो IUPAC नेम यार स्ट्रक्चर तो एमति लिखिबो किछ असुविधा नै डायरेक्ट तुमे फार्मूला रो प्रथम नेमिंग को जा तो नेमिंग कोन हिबो ना IUPAC नेम कोन हिबो ना देखो एटी केटा कार्बन एटम अछि निजे को केटा कार्बन एटम अछि 1 2 3 ताले वाटर रूट कोन हिबला प्रो वाटर रूट हिबला प्रो देखो कार्बन कार्बन दिते सिंगल बॉन्ड अछि दैट इज AN नै कि देखो कीटोन अछि कीटोन रो सफिक्स कोन कहि दिली ON E ताले एटी लगे दियो ON E ताले नाम कोन हिबला प्रोपानोन कोन हिबला प्रोपानोन से बेला तुमे नै करिवो C2H5 नै करिवो C2H5 CO C2H5 ताले यार नाटा कोन हिबो केता कार्बन एटम अछि ये एठी दीटा एठी दीटा चारटा ये ओरे पाँचटा ताले वाटर उठे गेला पेंट वाटर उठे गेला पेंट सिंगल बॉन्ड अछि AN ON E ON E ताले हमरो यार आइपैक नेम बा मोर जनरल आइपैक नेम टा हिबो ALK AN ON E अल्कानोन बुझला ताले तारो IUPAC यानी तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बुझिस तो ताले तारो नेमिंग पडा कर दियो छी तीनटा कार्बन तो छी देयर इज प्रोपानोन पेंटानोन नै कि हेप्टानोन ए भई आसीबो कोन भई ना देखो एपोटे जतकी कार्बन एटम नबो एपोटे भी सतकी कार्बन एटम नबो बिकॉज ऑफ आर इज इक्वल टू आर डैश तो आमे वर्तमान तारो सेकंड केस को जीवा जे आर नॉट इक्वल टू आर डैश केम दिहो छै देखो आर नॉट इक्वल टू आर डैश तले इफ आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश तले आर यदि आर डैश से तो इक्वल न अलग अलग रखा जाए मिक्स्ड कीटोन कोन कह जाए मिक्स्ड कीटोन मिक्स्ड कीटोन तो यदि इफ आर इज इक्वल टू आर डैश देन इट इज कॉल्ड सिंपल कीटोन if r is not equal to r then it is called mixed ketone so if you will take in r equal to ch3 r equal to ch3 and r dash equal to c2h5 then how can you write this name ch3 co c2h5 so there is a formula molecular formula of the ketone and the naming is 1 2 3 4 For that means the water root is but, A N O N E. That is butanon. बुझे रहे? ताले तुम्हारा mixed ketone है तुम्हारा कितना आसी हो? Butanon. सेम बात तुम्हारा जो दिया R dash R equal to जो दिया तुम्हें नजीब हो C two H five R dash equal to C three. सही सेम ना कर चुको. ठीक है जी? तापर तुम्हें नहीं करेगा. सब पहले कौन करेगा? R is not equal to R dash करेगा. R का R dash से तो समान होगा. ये देखो R equal to कितने? CH3 R dash equal to कितने? C2H5 ठीक है जी तो नेक्स्ट तुम्हें तीन चार का नीचे करिवो जदि किसी प्रॉब्लम हो छि ताले कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो आ वीडियो भल लागले लाइक करिवो ठीक है जी नेक्स्ट जीवा हमें आ गोटे पढिवा आज जेबे कि तुमरो कार्बोक्सिलिक एसिड एवडा तुमने क्लास 11 रे एवडा रहौछि जडा केवल बेसिक जिंस आ यार एप्लीकेशन बा प्रिपरेशन बा प्रॉपर्टीज जो डर होची सेवडा तुमर क्लास 12 रे रहूची नेक्स्ट जीवा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड तले को कार्बोक्सिलिक एसिड रे कोन रहूची
ना जनरल फार्मूला रहउछि कार्बोक्सिलिक एसिड रो सी ए सी डबल ओ एच बा ताको हम लिख पाइयो सी ओ ओ एच एटा रहउछि तमरो फंक्शनल ग्रुप का रो कार्बोक्सिलिक एसिड रो फंक्शनल ग्रुप ताले हम लिख पाइयो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज आर सी ओ ओ एच एटा हो जनरल फार्मूला देन सेकेंडरी सफिक्स कोन रहउछि सेकेंडरी सफिक्स रहउछि तमरो OIC एसिड बा ओइक एसिड तब को जे नै कि तर तार नेम टा केते आसको ALK एटा हो वाटर रूट सिंगल बॉन्ड AN OIC एसिड बुझला अल्कानोइक एसिड तो एकी कोन हम छ देखो हमें आर बदल रे एच नै करिबा आर बदल कोन नै करिबा एच नै करिबा मु कहि दिली एल्डिहाइड आउ एसिड पकरे हमें कोन नै करिबा आर बदल रे एच नै करिबा तो हमें जनरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला ले बुझिए मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो एच सी ओ ओ एच एच सी डबल ओ एच नै कि यार स्ट्रक्चर कोन नै पता ले ना एच सी ओ ओ एच देखो एटी तमरो कोन ग्रुप तरह होछि एसिड ग्रुप तरह होछि एमदि जासि कि दिबो सी डबल ओ एच दिबो किबा सी ओ ओ एच दिबो ताले एटा को हमें कोन कहि परिबा ना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ते कहि परिबा ताले या आईयूपीएसी नेम कोन दबो आईयूपीएसी देखो केतरा कार्बन एटम होछि गोटे कार्बन एटम होछि ताले वाटर कोन हो ना मिथ गोटे कार्बन एटम होछि ताले सिंगल बॉन्ड एन ओआईसी एसिड ओआईसी एसिड ताले तार फंक्शनल ग्रुप कोन होछि एसिड होछि तनो तार सेकेंडरी सफिक्स होछि ओआईसी एसिड दैट इज मिथानोइक एसिड क्लियर एटा हम लिख परिबा मिथानोइक एसिड यार कॉमन नेम ता कोन ना फॉर्मिक एसिड यार कॉमन नेम ता होछि फॉर्मिक एसिड के तो मिले फॉर्मिक एसिड का पकरे था ना जानी तो आंट जो पिंपुड़ी रहो सी में कि ता पकरे तुम्हारो फॉर्मिक एसिड रहे फॉर्मिका सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल दैट इज CH3 आर इक्वल टू हमें CH3 नो छे CH3 C डबल ओ एच नहीं कि एटा है तुम्हारो एसिटिक एसिड यार कॉमन नेम ता कौन एसिटिक एसिड तुमने जानी थी लो जे एसिटिक एसिड आगरो किंतु तार मॉलिक्यूलर फार्मूला जान न थी लो एबे जानी लो CH3 C डबल ओ एच दैट इज एसिटिक एसिड यार फार्मूला रो स्ट्रक्चर टा केति लिख परिया ना CH3 C डबल बॉन्ड ओ दैट इज OH दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दैट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट इज एसिटिक एसिड सो नेम ताले कोन हो देखो ये गोटे कार्बन एटम ये गोटे कार्बन एटम दीटा कार्बन एटम रहला कोन हो वाटर रूट इथ नै कि ANOIC हां आ गोटे जिनस हम कहबे बोलिए छी जे तमर जो फंक्शनल ग्रुप रे जो कार्बन एटम ता रहू छी सेही कार्बन एटम ता को भी आमे वाटर रूट रे काउंट करिबा ठीक अछि फंक्शनल ग्रुप रो कार्बन एटम ता को भी आमे वाटर रूट रे काउंट करिबा तो एडी दीटा कार्बन एटम हला याकु मिसै कि गोटे कोन ये गोटे कार्बन एटम ये गोटे कार्बन एटम न कि त दीटा कार्बन एटम सेत पे वाटर रूट ला इज ANOIC दैट इज इथानोइक एसिड दैट इज मिथानोइक एसिड नै कि ताले आमे नेक्स्ट में देखि इंटा नीचे करिवो ठीक अछि तो आमे आज कोन कोन पढिले एल्डिहाइड पढिले कीटोन पढिले आ कार्बोक्सिलिक एसिड पढिले नेक्स्ट जो रहउछि सेबरा हम नेक्स्ट पार्ट रे आउतले डिस्कस करिवा तो अल्प अल्प देले पिला माने टिके मन रखिया पई सुविधा हबो आ किछि प्रॉब्लम हेले तमे कमेंट करि परिवो आ नहले तुमरा जो व्हाट्सएप समार ग्रुप रहउछि नै कि समार कोर्स ग्रुप रहिछि हमर समार कोर्स त हे परि नै कोविड-19 पई तो हमर समार कोर्स जो ग्रुप रहिछि व्हाट्सएप ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप रे तुमने निजे शेयर करि परिबो एनी डाउट ठीक अछि तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।